हेलो नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री और हिस्ट्री में पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। ये 1500 BC से लेकर 600 BC तक है। वैदिक शब्द जो हमने वेद से लिया है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान नॉलेज। वैदिक सभ्यता का निर्माता आर्यों को माना जाता है। नोट, आर्य शब्द 1853 में मैक्स मूलर द्वारा दिया गया था सर्वप्रथम। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। वैदिक सभ्यता ऋग वैदिक सभ्यता 1500 BC से लेकर 1000 BC है और उत्तर वैदिक सभ्यता 1000 BC से लेकर 600 BC है। ऋग वैदिक काल 1500 BC से लेकर 1000 BC है। ऋग वैदिक काल में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। ऋग वैदिक काल सबसे प्राचीन है, 2 से 7 मंडल, और नवीन मंडल हैं 1 और 10। और ऋग वैदिक काल में जो पुरोहित होते थे उन्हें होत्र कहा जाता था। ऋग्वेद में 3 भाग हैं, एक साकल जिसमें 1017 मंत्र हैं, और बाल खिल्ले जिसमें 11 मंत्र हैं, तीसरा बासकल जिसमें 56 मंत्र हैं। अगर हम साकल और बाल खिल्ले को मिला दें तो टोटल 1028 मंत्र हो जाएंगे। ऋग्वेद संहिता की रचना वैदिक काल में हुई थी। 1400 BC में बोगच कोई अभिलेख में ऋग्वेद में 4 प्रमुख देवताओं का वर्णन है, इंद्र, वरुण, मित्र, नास्ते। आर्य मध्य एशिया से आए थे, जिसे माइनर एशिया भी कहा जाता है। फिर उसके बाद ये ईरान आया, ईरान से भारत आया। जीवन पशु चराने पर आधारित था आर्यों का। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। नोट, ऋग्वेद की तुलना ईरानी ग्रंथ अवेस्ता से की गई थी।